वेलकम गाइज, फोरम एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, फाइनली गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, और वो भी इंडिया के नंबर वन जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर। सो सभी का फ़र्ज बनता है जो ऑल इंडिया के कैंडिडेट है यहाँ पर अप्लाई करना, क्योंकि अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया तो आपके जॉब लगने की अपॉर्चुनिटी 100% यहाँ पर रहती है, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है ये प्योर गवर्नमेंट है, और यहाँ पर सिलेक्शन पाना बहुत ही भाग्यशाली होता है अपने आप में। सो आपको यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पर फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे स्टार्टिंग डेट की, लास्ट डेट की, यहाँ पर सीट्स कितनी है वो भी हम देखेंगे, और आपको यहाँ पर जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा वो क्या रहने वाला है। दो यूनिवर्सिटी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो कि सब रूबरू है इन यूनिवर्सिटी से। नंबर वन जिनका सभी का ड्रीम होता है BHU, ठीक है, बनारस हिंदुजा यूनिवर्सिटी, नंबर वन इंडिया की, नंबर वन आप इसे मान सकते हो, टॉप में गिना जाता है BHU को, क्योंकि आप टॉप कंट्री भी यहाँ पर स्टडी करने के लिए आते हैं। सभी कोर्सेज ये करवाती है, जैसे कि BA हो गया, BSc हो गया, यहाँ पर देख पा रहे होंगे लिस्ट है, देख लो पूरी, BSc एग्रीकल्चर हो गया, वेटनरी हो गया, LLB हो गया, है ना, ये मास्टर डिग्रियाँ होगी जितनी भी हो गई, ठीक है, और यहाँ तक कि BDS हो गया, MBBS हो गया, BPharm हो गया, BS नर्सिंग हो गया, इनके अलावा भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। सो हमको क्लिक हियर पे क्लिक करना है, और जो नंबर टू है ना गाइज, आपके लिए नंबर टू है आपकी, वो भी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में गिना जाता है, जिसका नाम है JIPMER। उसके भी फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं नर्सिंग कोर्स के लिए। तो यहाँ पर पहले BHU का देख लेते हैं, बनारस हिंदुजा यूनिवर्सिटी का। सो यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना होगा। जी हाँ बिल्कुल, एंट्रेंस एग्ज़ाम पर आप क्लिक करोगे तो नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अभी अगर आपको फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिएगा। तो हमको स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा, ये देखिए सारे कोर्सेज मिल गए, एप्लीकेशन BSc नर्सिंग, BPharma, BPT, MPharma, और जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज होते वो भी यहाँ पर शो कर रखे है, ठीक है। सो गाइज, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर ऑल इंडिया के जितने भी कैंडिडेट है उनको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पर जो अप्लाई का फॉर्म आ रहा है सभी में आप देख पा रहे होंगे, तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना अप्लाई में, तो यहाँ पर देखो कुछ नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी कि एक ग्रेजुएशन है, डिग्री कोर्सेज है, और मीडियम इंट्रक्शन इंग्लिश मीडियम में हम पढ़ाएंगे, 4 साल का कोर्सेज है, सब कुछ इन्होंने बता दिया, ठीक है। और योग्यता के लिए 10+2 पास आउट होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश के साथ, ठीक है। तो आपके 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री अगर बायोलॉजी है तो आप BSc नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो BHU में। अप्लाई कैसे करना है, अब यहाँ पर अप्लाई का कोई भी आप देख पा रहे होंगे लिंक अवेलेबल नहीं है। सो आपको कौन सा फॉर्म भरना होगा, चलिए हम आपको दिखा देते हैं। सो फॉर्म भरने की प्रोसेस तो हम बता देंगे, बट उससे पहले यहाँ पर सीटें जान लो, सीटें कितनी है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी है, ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके गाइज, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, फॉर BSc नर्सिंग कोर्सेज 75 सीट्स, ठीक है, और 31 सीट्स फॉर जनरल कैटेगरी, 20 सीट्स फॉर OBC कैटेगरी, 11 सीट फॉर SC कैटेगरी, 6 सीट फॉर ST कैटेगरी, यानी कि यहाँ पर जिसका सिलेक्शन होता है समझो उसकी लाइफ सेटल है, ऐसा माना जाता है यहाँ पे। और आपको जैसे पता है कि BHU का तो नाम हर इंडिया के कोने कोने में गूंजता है, बनारस हिंदुजा यूनिवर्सिटी का, हर किसी से पूछ लेना सबको पता है। सो यहाँ पर किस्मत आज मैं ये फॉर्म अप्लाई करके, अप्लाई कैसे करना है हम आपको दिखाएंगे अभी। फिजिक्स यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप्ड जो विकलांग होते हैं उनके लिए भी अलग से, यानी कि यहाँ नॉट एप्लीकेबल, वो एलिजिबल नहीं है इस कोर्सेज के लिए, क्योंकि यहाँ पर फिजिकली फिट होना चाहिए। BPharma के लिए भी यही कंडीशन यहाँ पर दे रखी है, और BPharma के लिए भी 36 सीटें यहाँ पर 37 सीटें अवेलेबल है, ठीक है। और भी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, और ये भी हम देखेंगे कि इसका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पर होता है इंडिया में। BHU के लिए जो BS नर्सिंग के आपको फॉर्म भरना होगा, फॉर्म कैसे भरना है पहले तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चलिए उसको देख लेते हैं, फॉर्म कहाँ से आपको भरना होगा। ओके गाइज, अगर आपको बनारस हिंदुजा यूनिवर्सिटी के लिए यानी कि BHU के लिए अप्लाई करना है BS नर्सिंग कोर्स के लिए, तो यहाँ से आपको अप्लाई करना होगा। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दिखा रखा है, जैसे कि
अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप पहले आपको पंजीकरण करना होगा गाइज, उसके बाद फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, ठीक है। तो ये कौन सी वेबसाइट है, चलिए हम आपको दिखा देते हैं, दिख गया होगा, सब जानते होंगे इसको। अब आप बोलेंगे सर ये तो नीट का है, तो नीट का ही फॉर्म आपको भरना होगा गाइज, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना NTA वाली, यहाँ से आपको फॉर्म भरना होगा, क्योंकि अगर आपको BHU में प्रवेश लेना है कोर्सेज के लिए, BS नर्सिंग कोर्सेज के लिए, तो आपको यही फॉर्म भरना होगा और यहाँ से भरना होगा, ठीक है। तो पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फॉर्म भरना है, उसके बाद आपके सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे, उसके बाद स्कैन किए हुए आपके सिग्नेचर स्कैन होंगे गाइज़ पर, ठीक है, ताकि कोई भी फर्जीवाड़ा ना हो। इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा, और अभी स्टार्ट है इसके रजिस्ट्रेशन, यहाँ से देख लो एप्लीकेशन नंबर सब कुछ, ये आपको बेसिक डिटेल यहाँ पर भरनी होगी, चाहे तो आप मित्र या फिर किसी साइबर से भी इसको फिलअप करवा सकते हो। नेट का फॉर्म भरना होगा क्योंकि इन्होंने पहले बोल दिया, चलिए हम आपको नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। जैसा कि आपको पता है, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर रखा होगा, तो उनको तो A to Z सब पता है। BS नर्सिंग कोर्स BHU बनारस हिंदुजा यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो BS नर्सिंग कोर्स 2021 के लिए अगर आपको बनारस हिंदुजा यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेना है, तो नीट 2021 का फॉर्म आपको भरना होगा, सिंपल सी बात है, इन्होंने पहले ही बोल रखा है, तो वो फॉर्म ही आपको भरना है, सिंपल नीट वाला ही। और उससे एक और बेनिफिट है आपको, एक क्या बहुत सारे बेनिफिट है, चलिए हम आपको बेनिफिट दिखा देते हैं। सो गाइज, आपको ये फॉर्म भरने से क्या बेनिफिट है, BHU वाला बेनिफिट तो है ही सही, यानी कि BHU में तो आपको सिलेक्शन मिलेगा ही सही अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो। इसके अलावा भी क्या पता आपका MBBS में हो जाए, तो किसको पता, आपका अलग काम कर जाए, आपका जोरदार लग को, तो ये MBBS में सिलेक्शन होना छोटी मोटी बात नहीं है, हो जाता है बहुत सी बार, जिन स्टूडेंट के 12th में बहुत लो परसेंटेज है उनका भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल करने होते हैं, ना कि सब्जेक्टिव। 12th में जो परसेंटेज होती है वो सब्जेक्टिव होती है, यानी कि जो हम लिखते हैं ना उसके होते हैं, जबकि यहाँ पर कंपटीशन एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव नॉलेज काम करती है। तो यहाँ पर MBBS में होने के चांसेस है, अगर MBBS में नहीं हुआ तो BDS में हो सकता है, BDS में नहीं हुआ तो आयुर्वेदिक में हो सकता है, होम्योपैथिक में हो सकता है, ये भी तो चांसेज है। और BHU में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, BHU के अलावा और भी यूनिवर्सिटी है, जैसे कि जिपमर, वहाँ पर भी आपको मिलेगा। इसके अलावा जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटी है प्राइवेट गवर्नमेंट, वहाँ पर भी आपको चांसेज है गाइज, अगर जहाँ पर नेट के थ्रू हो रहा है ना, तो ये नेट का फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस बायोलॉजी नर्सिंग वालों के लिए, अवश्य भर देना, हम फिर बोल रहे फॉर्म शुरू है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। सो गाइज, अगर आपको भी बनारस हिंदुजा यूनिवर्सिटी में BS नर्सिंग कोर्स करना है, तो ये फॉर्म भर देना। अब चलते हैं नंबर 2 यूनिवर्सिटी की ओर, नंबर 1 हो गया, नंबर 2 कौन सी, वो भी इंडिया की टॉप है, तो उसको भी देख लेते हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया दिया रखा है। सो गाइज, दूसरी यूनिवर्सिटी आपकी जिपमर, ये भी इंडिया की टॉप है, गवर्नमेंट है, ठीक है। तो जिनको भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो आपको यहाँ पर देखिए इंफॉर्मेशन दे रखिए, 4 साल का कोर्स है, 1 ईयर की यहाँ पर जो इंटर्नशिप रहती है इनका, सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। जिपमर इसका भी नाम चलता है आप टॉप कंट्री, और इसके नाम से बहुत अच्छी फीलिंग आती है, BHU हो गया, एम्स हो गया, जिपमर हो गया, ऑल इंडिया के कैंडिडेट का ड्रीम होता है यहाँ पर एडमिशन लेना, और जिनका हो गया तो समझो 100% जॉब है। तो देखो सभी अप्लाई करते हैं बेसिकली यहाँ पर, जिपमर में क्या दे रखा है, क्राइटेरिया कितनी सीटें है, सब कुछ देख लेते हैं हम यहाँ से, और अप्लाई कैसे करना है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर BS नर्सिंग की 94 सीटें जिपमर में, और BSc एलाइड हेल्थ के लिए 87 सीटें, और भी कोर्सेज ये करवाती है, देख लो अगर आप करना चाहे तो, पैरामेडिकल के BMLT MLT उनके भी कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है, टोटल सीट 181 है, ठीक है। और ये BS नर्सिंग 9 सीट हॉरिजॉन्टल यहाँ पर दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये PDF हम आपको सेंड कर दिया करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल आपको पता है सही। सो गाइज, ये है टेलीग्राम चैनल, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा, जिसका नाम है DRMK Bro, सर्च कर लेना, ये लोगो और ये नाम आपको मिल जाएगा, इसी को आपको फॉलो करना है, और यहाँ से PDF आप पा सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सिलेक्शन के लिए, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, तो इसको फॉलो कर लेना। अगर टेलीग्राम चैनल नहीं बना रखा है तो बना लो, बस मोबाइल नंबर चाहिए होते हैं टेलीग्राम चैनल के लिए, 1 मिनट लगता है बनाने में, और इसको फॉलो कर लेना DRMK Bro टेलीग्राम चैनल को। ओके गाइज, तो यहाँ पर जिमर का आपने देख लिया, और बेसिकली यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, उनको देख लेते हम।
अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर एडमिशन के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, आपकी उम्र मिनिमम 17 कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, और आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, तब तो आप जिपमर बीएस नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फॉरम स्टार्ट है, हमने आपको बता दिया है, और भी इंफॉर्मेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म फीस तो वही लगेगी जो नीट की लगती है, क्योंकि वही फॉर्म आपको भरना होगा, इसके लिए इन्होंने पहले ही बोल दिया। अगर आपको पता नहीं है तो इसका नोटिफिकेशन हम आपको दिखा देते हैं गाइस। दिख गया होगा गाइज आपको नोटिफिकेशन, तो ये नोटिफिकेशन आपको फिलअप, ये नोटिफिकेशन देख लो कि अगर आपको जिमर में एडमिशन लेना है तो बीएस नर्सिंग का आपका क्या करना होगा, नीट का फॉर्म भरना होगा, कंडक्ट सेपरेट एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि जिमर वी नॉट कंडक्ट सेपरेट एंट्रेंस एग्ज़ाम, अलग से कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा, ओनली नीट के बेसिस पे लिया जाएगा, तो नीट का फॉर्म आपको भरना होगा बीएचयू के लिए भी और जिमर के लिए भी, तो भर दो अभी से ही। सो गाइज अगर आप प्रेपरेशन करना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो ये चैनल है जेके लॉन जॉब चैनल, जहाँ पर हम प्रेपरेशन करवाते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इस चैनल को आप सर्च कर सकते हो, सब्सक्राइब करके फॉलो भी कर सकते हो।